राधे राधे सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो लोग निर्जला एकादशी रख रहे हैं या रखते हैं तो वो निर्जला एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। तो सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे। आप तावे का लोटा ले सकते हैं, पीतल का, स्टील का, जो भी आपके पास है वो लोटा ले सकते हैं। उसके पश्चात उस लोटे के जल में आप कुछ पुष्प डालिएगा या फिर सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और उसके पश्चात हम अपनी कथा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमें कथा सुनने से पहले हमने अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प लेने हैं। आप चाहो तो सफ़ेद तिल के भी कुछ दाने ले सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल भी नहीं है तो आप अपने हाथ में कुछ दक्षिणा भी ले सकते हैं। और कथा प्रारंभ करने से पहले हमें जिस पुस्तक से हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं उसका पूजन करेंगे, उसके पश्चात ही हम अपनी कथा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी पुस्तक का पूजन कर लिया है। अब मैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा शुरू करती। एक समय की बात है, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती आदि सभी एकादशी का व्रत करते थे, तो मुझे भी व्रत करने के लिए कहते थे। मैं कहता हूँ, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान करके या वासुदेव की अर्चना करके उनको प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत के जिस तरह से भी हो सके मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई व्रत नहीं रख सकता। मुझे व्रत भी ना करना पड़े और एकादशी के व्रत का फल मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताएं। मैं बिना किसी काया क्लेश के फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है और नर्क से बचना चाहते हो तो दोनों एकादशी का व्रत करना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैं दोनों समय भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, पर्याप्त भोजन करने के बाद भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। ऋषिवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको रखने से मेरा कल्याण हो जाए। और व्यास जी बोले, भद्र, जेठ मास की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से तुम्हें पूरे एकादशी का फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी अपने जीवन में इस व्रत का पालन करो। इस व्रत को रखने से जो तुम्हारे अन्न खाने का पाप है वो नष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, गौदान करनी चाहिए। वेद व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, पंचामृत, तुलसी देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तभी से निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल में आने वाली सभी एकादशियों के जितना समान फल प्राप्त होता है। अगर आप 12 महीने में आने वाली हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें, ताकि आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं व सुनते हैं व हुकारा भरते हैं, उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनके घर से कलह कलेश हमेशा के लिए मिट जाते हैं। तो आज के दिन दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व होता है, इसका करोड़ों गुना आपको फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है इस व्रत को रखने से। तो देखिए, जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी उसके पश्चात जो आपने हाथ में पुष्प ले रखे हैं वो हम विष्णु भगवान को यानी श्री हरि विष्णु को अर्पण कर देंगे। उसके बाद आप अपनी आरती कर लीजिएगा और सबसे लास्ट में अपनी पूजा में हुई गलतियों की क्षमा मांगेंगे अपने प्रभु से। त्योहारों में पूजा से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।